हैदराबाद और उन्नाव के बाद अब यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहां 2 जनवरी 2018 के शाम को घर के पास से ट्यूशन पढ़कर लौट रही नाबालिग छात्रा के अपहरण, गैंगरेप और हत्या मामले में वारदात के 1.5 साल बाद नाबालिग मृतिका का परिवार बुलंदशहर से पलायन कर गया। परिवार बीते अगस्त महीने में बुलंदशहर छोड़ गया था और मृतिका के घर में किराएदार रहते थे। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि घर में रहने वाले किराएदार तक को भी यह जानकारी नहीं है कि आखिर नाबालिग मृतिका का परिवार कहाँ है। 2 जनवरी 2018 की शाम घर के पास से नाबालिग का कार सवार दरिंदों ने अपहरण कर लिया था। 4 जनवरी 2018 को पुलिस को नाबालिग का शव ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में नाली में पड़ा मिला था। पूरी घटना का खुलासा करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गैंगरेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था। अपहरण, हत्या और बलात्कार के इस मामले में योगी सरकार की ओर से परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार का आरोप था कि गैंगरेप हत्याकांड से खुलासे के बाद से ही पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही थी, जबकि सुरक्षा की मांग के बाद भी परिवार को सुरक्षा नहीं मिल पाई थी। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार की ओर से दावा किया गया है कि पुलिस की जांच में धमकी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है और पीड़ित परिवार को हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। पुलिस का दावा ये भी है कि परिवार स्वेच्छा से घर के किराए पर उठाकर बाहर गया है। फिलहाल पलायन की खबर के बाद से ही पुलिस पीड़ित परिवार से संपर्क साधने में लगी है। बुलंदशहर से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।